और उसी नदी में ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये मंदिर ऐसे के ऐसे ही बह के आया था, ये एक कहानी। सो गाइस आज सेकंड डे है और मैं उठ गया हूँ, फ्रेश फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, अभी फिलहाल बाहर ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद सफारी के लिए देखते हैं। तो फिलहाल कल मैं आया था लेट रात को, तो यहाँ पे कमरे का मैं टूर नहीं दे पाया था, तो फटाफट आपको कमरे का एक टूर दे देता हूँ। सो बेसिकली एक मास्टर बेडरूम है यहाँ पे और उधर सोफा सेट भी इन्होंने दिया हुआ है कि स्टडी करने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। एक बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पे और अलमेरा भी है बढ़िया सी ठीक ठाक, और शू वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, और साथ साथ में वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ का काफ़ी स्पेसियस है और क्लीन है जैसा कि आप देख सकते हैं। सही है, मतलब अगर फैमिली के लिए भी अच्छा है, कपल्स के लिए भी अच्छा है, मुझे तो ठीक लगा। और साथ ही साथ में अगर आप बालकनी वाला रूम ले रहे हो तो अमेजिंग बालकनी व्यू भी आपको देखने को मिलता है। और देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, सारा सामान ले लिया फिर फिलहाल सब कुछ आ गया है। दूसरा बेस्ट पार्ट है यहाँ पे वाईफाई ठीक ठाक चलता है, और प्लस यहाँ पे ना हर एक फ्लोर में ऐसे वो भी दिए हुए हैं सेटिंग अरेंजमेंट तरीके का ना, देखो इस फ्लोर में भी दिया हुआ है। एक्चुअली मैं अपने घर पे भी प्लान कर रहा था छत में रखने का ना, बड़ा मज़ा आता है इसमें स्प्रिंग में बैठ के धूप सेकने के लिए। भैया चेकआउट करा दीजिए। गुड मॉर्निंग। अरे मेरा मास्क कहाँ आ रहा। तो दीप्सिका मैम आ गई है हमें पिकअप करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। हाय गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने ही सारा अरेंजमेंट करवाया था कल, सो थैंक यू सो मच एंड बिग थम्स अप। क्या हुआ सर, क्या हो गया? सो गाइस ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी बड़ी है, जैसे कि मैंने बालकनी से आपको दिखाया था, यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे हो तो बच्चों वगैरह का खेलने के लिए काफ़ी सही प्लेस है, तो एक बार मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए और काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी मज़ेदार है, मतलब मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। सुबह सुबह आ जाओ ना नेचर वॉक करने के लिए या मॉर्निंग वॉक करने के लिए, अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हो तो काफ़ी सही जगह है, यहाँ पे योगा वोगा कर लो, मस्त जगह एकदम। ये देखो यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं क्या? अच्छा ये बैंकट हॉल है बेसिकली, तभी मतलब तुमने दोनों पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है, बढ़िया। काफ़ी अच्छी शादी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्राइडल का वो है ना एंट्री पॉइंट। अच्छा ये गेट वगैरह बनाया है। सही एंट्री, बढ़िया। ये है हमारे संदीप भाई, तो इनसे मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ मिला था, हम लोग यहाँ सफारी करने आए थे, तो हम दो बार आए थे, दोनों बार इनके साथ करी तो काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ, तो इनसे कांटेक्ट किया कि क्या है क्या सीन है, उन्होंने हेल्प करी हमारी कि वो गेट की व्यवस्था होगी। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था गर्जिया देवी गेट का, वो भी मुझे अभी पता लगा रिसेंटली कि वो 1 तारीख से खुलने वाला है। सो गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गर्जिया देवी टेम्पल, यहाँ पे काफ़ी फेमस टेम्पल है, तो इसकी बहुत कहानियाँ हैं इस टेम्पल के पीछे। संदीप जी आपको पता है इसकी कहानी क्या है मंदिर की? इसको बेसिकली इसकी जो कहानी है वो कहा जाता है कि आज से 70 साल पहले ये टेम्पल रिवर में बह कर आया था। अच्छा। हाँ ये जैसा टेम्पल अभी आप देखेंगे ये ऐसा ही था, वहाँ से बहते हुए आया था 80 किलोमीटर दूर से। अच्छा जी जी। और यहाँ बस गया एकदम? हाँ यहाँ पे आके वो ऑटोमेटिक रुका है। अच्छा। बसा नहीं है, रुका है वो। अच्छा। रिवर के प्रॉपर दोनों तरफ रिवर है जिसके बीच में वो स्थिर है। अरे वाह। हाँ तो ये दोस्तों काफ़ी आश्चर्यजनक करने वाली चीज़, अगर आप देखना चाहते हो तो कभी जब भी आप यहाँ आ रहे हो तो जरूर गर्जिया देवी टेम्पल आए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मान्यता बहुत है, इसकी मान्यता भी बहुत है, हाँ कहते हैं यहाँ पे सारी मनोकामना अगर आप सच्चे भाव से आते हो तो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। और इसकी यही चीज़ बहुत फेमस है कि ये मंदिर जो है एक रिवर के बीच में टिका हुआ, भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, अमेजिंग जगह है। मैं वैसे पहले आया हुआ हूँ बट अभी मैं सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि अगर हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये भी उसका एक पार्ट है। सो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर है नॉर्मल पार्किंग अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो, बाकी यहाँ से ऑटो भी चलते हैं सिटी से यहाँ तक, तो आप अगर ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो से भी यहाँ पर ऑटो वाला आपको यहाँ छोड़ेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, लंबी सी लाइन है। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ मंदिर के अंदर, ये है यहाँ पे मेन गेट, यहाँ से अभी आप आओगे यहाँ पे काफ़ी बड़ा आंगन सा यहाँ पर है, बट जब आप अगर नवरात्रियों में यहाँ आते हो तो एक लंबी सी लाइन आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी भीड़ रहती है बिकॉज मंदिर की जो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर, देख के आते हैं कैसा है मंदिर।
तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। अगर ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो वहीं से वापस आ जाएंगे। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मंदिर। मंदिर में एंट्री करने के लिए आपको एक यहाँ पे पुलिया देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये रिवर आ रही है, इस रिवर के ऊपर ये पुलिया है, और इस रिवर के आप दोनों साइड देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो स्नान वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, लोग आके यहाँ पे स्नान वगैरह भी करते हैं, गंगा स्नान वगैरह। सो गाइस, इसी पुलिया को पार करके इस मंदिर के लिए जाना पड़ता है। तो इसमें जो रेलिंग बनाई हुई है बीच में, ये इसलिए बनाई हुई है क्योंकि जब नवरात्रियों का टाइम होता है या गंगा स्नान का टाइम होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस भीड़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रेलिंग बनाई हुई है। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मान्यता है इसकी। तो गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ नीचे सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद इत्यादि खरीद सकते हैं, और अपने चप्पल जूते वगैरह भी इन्हीं दुकानों में रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से जो मंदिर है वहाँ का मेन गेट स्टार्ट होता है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ पे एक अलग से बोर्ड लगाया हुआ है कि कृपया मास्क पहनकर मंदिर परिसर में जाइए, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि लोगों ने मास्क पहना नहीं है वो अलग बात है। सो गाइस, मैं अभी नीचे आ गया हूँ। ये जो एरिया है, पहले किसी ज़माने में यहाँ पूरी नदी बहा करती थी, और उसी नदी में ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये मंदिर ऐसे के ऐसे ही बह के आया था, ये एक कहानी है यहाँ पे। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब ये मंदिर बह के आ रहा था, माता जब आ रही थी तो वहाँ पे भैरव जो भगवान है, भैरव भगवान ने माता को शरण दी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसीलिए ये मंदिर स्थिर हो गया। और साथ ही साथ में वहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर है, अगर आप ये मंदिर विजिट करते हो तो आप उनके मंदिर भी जाना यहाँ पे ज़रूरी माना जाता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारी भीड़ लगी हुई है मंदिर के लिए, ये टॉप में मंदिर है। सोच रहा हूँ कि इसे स्किप कर लूँ अभी के लिए, बिकॉज मैं पहले यहाँ पे गया हूँ। लेकिन अगर आप जब भी आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर माता के दर्शन कीजिएगा, काफ़ी अच्छा महसूस होता है वहाँ पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भैया फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं, जब भी आप आते हो तो फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो यादगार के तौर पे। 50-60-70 रुपये का रेट है, तो आके आप आते हो तो ज़रूर भैया के साथ फोटो खिंचाना और बढ़िया रेट लगा देंगे आपको। थैंक यू सर। सो गाइस, अभी मैंने नीचे दिख रहा था नदी में, तो काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, बट टाइम की वजह से मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप लोग जब भी प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर प्लान के साथ आना, टाइम लेके मंदिर में दर्शन करने का, आराम से आप नीचे नदी में बैठ के चिल आउट कर सकते हो, क्योंकि नदी इतनी गहरी भी नहीं है, साइड में आप आराम से डुबकी उबकी मार सकते हो। मानना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कोविड के टाइम पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, तो यानी कि मान्यता तो है ही, साथ में लोग ट्रैवलर्स भी काफ़ी आए हुए हैं, लोकल भी हैं और ट्रैवलर्स भी हैं। सो गाइस, ये तो था गर्जिया देवी टेम्पल। कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जब भी आप आते हो यहाँ पे तो आराम से टाइम लेके आना, नदी भी है मस्त, एकदम चिल आउट कर सकते हो और बढ़िया दर्शन करके जाना। अभी हमको तो थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए हम आ गए थे। और एक और मंदिर है इधर, दुर्गा माता का।